अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। ऐसे पलक जबकि 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, चुटकी बजाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। थोड़ी देर, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर बाद रिफ्रेश किया, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। अब जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे पता नहीं कितने मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके होंगे। मैंने जब ये वीडियो बनाना स्टार्ट की, मैंने देखा रोनाल्डो के सब्सक्राइबर कितने थे, मैंने उस टाइम नोट किया था 20 मिलियन सब्सक्राइबर थे। अब आप वीडियो देख रहे होंगे पता नहीं कितने ज़्यादा मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके होंगे ऑलरेडी। देखिए, बहुत से लोग जो हेटर्स हैं वो इस चीज़ का भी मजाक बना रहे हैं। वो इस वजह से बना रहे हैं कि आप सबसे पहले ये पिक्चर देखें। इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा रोनाल्डो ने गोल्डन बटल हासिल किया है यूट्यूब की तरफ से, लेकिन मेसी ने वर्ल्ड कप जीता है, गोल्ड की ट्रॉफी जीती है। लोग इस चीज़ का भी मजाक बना रहे हैं, लेकिन आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चेक करो रोनाल्डो की और मेसी की, आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। देखें, कभी भी एक प्लेयर, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर कभी भी वर्ल्ड कप जिता ही नहीं सकता जबकि टीम डिपेंड हो 11 प्लेयर्स पर। अब बहुत से लोग इस पर कंपेयर कर रहे हैं, जैसे अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता वर्सेस बाबर आजम से कंपेयर करे थे। देखो, बाबर आजम ने अभी तक कोई भी पाकिस्तान के लिए टाइटल नहीं जीता और अर्शद नदीम ने दूसरी अटैम्प्ट में गोल्ड मेडल ले आया पाकिस्तान के लिए। ये ऐसे ऐसे कंपैरिजन किया जा रहा होता है, लेकिन क्या आप सोचते हैं, अगर आप रोनाल्डो की तरफ देखो तो जो पुर्तगाल के प्लेयर्स थे, पुर्तगाल में सबसे अच्छा जो प्लेयर था वो रोनाल्डो ही था। पहले 90 मिनट्स में, पहले हाफ में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला पुर्तगाल की तरफ से ना सिर्फ पूरे वर्ल्ड में वो रोनाल्डो है। रोनाल्डो ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कैम किए हैं गोल पे गोल करके, सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ड वर्क पे, अपने माइंड से वो सब कुछ अचीव किया है जो वो कर सकता था। लेकिन जो उसके साथ के प्लेयर थे वो इतने काबिल नहीं थे कि पुर्तगाल को कोई भी ट्रॉफी जितवा सकते रोनाल्डो के होते हुए। वैसे तो पुर्तगाल ने वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन रोनाल्डो की कैप्टेंसी में वर्ल्ड कप नहीं जीता, जो कि बहुत से रोनाल्डो के फैंस यही चाहते थे कि रोनाल्डो के पास सब कुछ है लेकिन एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं है। ये भी होनी चाहिए थी रोनाल्डो के पास। रोनाल्डो वर्सेस मेसी को, जस्ट रोनाल्डो वर्सेस मेसी को कंपेयर किया जाए तो रोनाल्डो का लेवल बहुत ही ऊपर है। वो इस वजह से रोनाल्डो के गोल्स भी मेसी से ज़्यादा हैं। रोनाल्डो दूसरी लीग्स में जब भी खेलने जाता है किसी लीग की तरफ से, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी मेसी से अच्छा होता है। और लीग्स में भी आप देखोगे, ना सिर्फ कंट्री की तरफ से, लीग्स में भी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो रोनाल्डो के गोल्स मेसी से ज़्यादा हैं। और यूट्यूब से सिर्फ बात कर रहे हो, मेसी के आप यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर चेक करें, सिर्फ और सिर्फ आपको आई थिंक मेरे ख्याल से 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर आपको नजर आएंगे। और रोनाल्डो ने 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर ऐसे चुटकियों में कर लिए थे। रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग एकदम हाई है। रोनाल्डो इतने अच्छे काम कर रहा है, ना वो सिर्फ एक अच्छा प्लेयर है, वो अच्छे काम भी कर रहा है। आपने देखा होगा उसकी बॉडी पे टैटू भी नहीं नजर आएगा, चैरिटी भी वो सबसे ज़्यादा करता है जितने भी फुटबॉल के प्लेयर है। इवन मेसी की तरफ आप देखो तो गलत चीज़ को कभी भी वो प्रमोट नहीं करता। वो कहता है कि गलत चीज़ को प्रमोट करना एक किस्म का कैंसर है, ये कैंसर यंग जनरेशन को खा जाएगा। अब वो कितनी फेमस हुई थी वीडियो जब रोनाल्डो ने कोका कोला की बोतल को साइड पर कर दिया था, एकदम मार्केट के शेयर गिर गए थे कोका कोला के। बहुत टाइम लगा था कोका कोला को स्टेबल होने में, लेकिन रोनाल्डो के इसी वजह से और उसके हार्डवर्क की वजह से मेसी से ज़्यादा फैंस हैं। मेसी से ज़्यादा वो हार्डवर्क करता है और लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता है। अगर मेसी की तरफ आप देखोगे तो मेसी प्लेयर अच्छा है, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत ही बुरा है। सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, मैं मेसी के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, मुझे फुटबॉल का इतना नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत से फुटबॉल्स के जितने भी प्लेयर हैं उनके इंटरव्यू सुने हैं जिसमें वो मेसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि आप एक अच्छे प्लेयर तो हो लेकिन आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। वो इस वजह से उसने बहुत सी गलत चीज़ों को प्रमोट किया है जो कि एक यंग जनरेशन के लिए कैंसर है। अभी भी वो बाज नहीं आता इस ये सब कुछ देखने के बाद, मीडिया पर ये बातें आने के बाद फिर भी वो बाज नहीं आता। वो सब काम कर रहा होता है जो दूसरे फुटबॉलर उस चीज़ से मना कर रहे होते हैं। दोस्तों, इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। रोनाल्डो वर्सेस मेसी कंपैरिजन हर जगह पे होता है। रोनाल्डो ने यूट्यूब चैनल खोला, उसमें भी कंपैरिजन किया जा रहा है कि देखो इसके पास गोल्डन मेडल है, रोनाल्डो के पास उसके पास गोल्डन ट्रॉफी है। हर जगह जहाँ भी रोनाल्डो जाएगा मेसी का नाम साथ में जाएगा, जैसे पाकिस्तान में बाबर आजम को लेकर और दूसरी तरफ कंट्री में विराट कोहली को लेकर। लेकिन जो सही मानों में एनालिसिस
कर सकते हैं जिनको नॉलेज है वो सभी जानते हैं कि दोनों प्लेयर में कितना बड़ा डिफरेंस है। इवन के प्लेयर भी ये मान रहे होते हैं। बाबर आजम का फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली है, एबी डिविलियर्स को भी मानता है, लेकिन जो फैंस है वो आपस में लड़ रहे होते हैं। दोस्तों इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, रोनाल्डो ने जो यूट्यूब चैनल लॉन्च किया अपना, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये एक प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए चैनल बनाया गया है या फिर रोनाल्डो इस बारे में सोच रहे थे जैसा कि उसने अपने चैनल पर बैठकर भी कहा? इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।